सुबह की शुरुआत हुई है किचन से, तो आज मैं बना रही हूँ दही भल्ले या दही बड़े, क्योंकि आज हमें पिकनिक पे जाना है और इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के फटाफट से दही बड़े बना रही हूँ। पहले तो मैंने रात को ही ये जो उड़द की धुली दाल होती है या छिलके उतरे वाली दाल होती है, ये मैंने भिगो के रख दिया था और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और ये हमको थोड़ा सा दरदरा रखना है, बिल्कुल पतला नहीं पीस देना है, और इसमें पानी बिल्कुल कम डालना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी डाल के हमें इसे पीसना है। अब मैंने इसको पीस लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हींग, अ पिंच ऑफ हींग। उसके बाद मैं इसको हाथों से ही फेंट रही हूँ। मैं कोई विस्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ, विस्कर यूज़ करने से ये ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर ये जो हमारे वड़े बनते हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-3, मैंने ग्रीन चिली लिया था और 1 इंच लगभग अदरक लिया था, उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और अब उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें दही और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो सॉल्ट और जो मसाले हैं वो ऊपर से भी डालेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया, हैंडफुल। हरी धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, वैसे तो आपके ऊपर है आप ज़्यादा या कम जितना भी डालना चाहें, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है इसीलिए मैं बहुत सारा डाल रही हूँ इसमें। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ ऊपर से, क्योंकि वो खट्टा मीठा फ्लेवर आता है तो बहुत अच्छा लगता है साथ में। तो मैं इसमें किशमिश डाल के अब इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैंने ऑयल गर्म होने को पहले ही रख दिया था, और जब ऑयल गरम हो जाएगा तब हम उसमें जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे एक एक करके ये वड़े डाल देंगे। और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से, तो हम पलट के दूसरी साइड भी इसको बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करके सेक लेंगे, तो ये तैयार हो जाते हैं हमारे वड़े। और मैं इनको ऑयल से निकाल रही हूँ और अब तैयारी करते हैं दही बड़े की जान, मीठी चटनी की। तो यहाँ पर मैं मीठी चटनी भी साथ में बनाऊंगी, और हरी धनिया और पुदीने की चटनी तो सभी को बनाने आती है तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। तो मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ में मैंने इसमें पंचफोरन डाला है 1 टी स्पून, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग भी डाली थी इसमें, और यहाँ पे मैंने 2 खड़ी जो मिर्च होती है रेड चिली उसको डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी इमली या टेमरिंड का पल्प। तो इमली को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव कर लिया था, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए उसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं और फिर उसका पल्प निकालें। मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसका पल्प निकाल लिया। अब मैंने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है इस पल्प में, और इसी पल्प को अब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ और डाल के बहुत अच्छी तरीके से चला रही हूँ उसको। और देखिए इसमें हल्का सा बॉयल आने लगा है, तो जब ये बॉयल आने लगेगा तो हम यहाँ पर जैगरी और गुड़ जिसे हम कहते हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पाउडर जैगरी लिया है, आप चाहें तो गुड़ को ऐसे ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे डालेंगे तो भी वो गर्मी से पिघल जाएगा, और अगर आप उसको चाहें तो तोड़ के डालें। मैंने तो ये पाउडर था मेरे पास इसीलिए पाउडर यूज़ कर लिया है। तो इसको अब हम बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे और 10-15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। देखिए पकने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राइड जिंजर या सौंठ जिसे कहते हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे हम, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही तीखा होता है, अगर आप ज़रा सा भी डालेंगे तो आपको तीखा लगेगा। तो मैं बहुत ज़रा सा डाल रही हूँ, लगभग 1/2 टी स्पून आप कह सकते हैं। तो इसको डाल के भी हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें बहुत ज़रा सा कलर डाला है और रेड कलर, इससे ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर चटनी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। साथ में मैं इसमें 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ काला नमक, और रोस्टेड जीरा जो होता है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसको भी मैं यहाँ पर 1/2 टी स्पून ऐड कर दे रही हूँ।
और ये मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर दही बड़े सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच दही ले ली है और दही को मैं विस्क कर रही हूँ। हम इसको तब विस्क करेंगे जब तक इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी नहीं हो जाएगा और इसमें हम वाटर या मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। मैंने इन वड़ों को पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोख होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इन सभी वड़ों का पानी निकाल के इनको सर्विंग प्लेट में रख रही हूँ। अब हम दही से इन वड़ों को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। इसके बाद हम इस पे डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी और उसके बाद हमने जो मीठी चटनी बनाई थी हम उसमें वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मसाला, ये है काला नमक और जीरा, भुना जीरा है, काला नमक है इसमें। इसको हम अच्छे से डालेंगे क्योंकि जो हमने वड़े बनाए थे उसमें जो नमक है वो हमने कम डाला है और साथ में थोड़ी सी मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे। साथ में इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास सेव है, बहुत हल्का सा डालेंगे और ये तैयार हो गया हमारा दही बड़ा। अगर आप चाहें ऊपर से थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो हमारा दही बड़ा बनके ये बिल्कुल तैयार है। What are you doing, Adya? Keep doing it? Push-ups. What are you doing? Push-ups. Yeah. Routes. Okay. Routes. Great. Routes. Good job. तो ये दही बड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मैं जाती हूँ पिकनिक के लिए, फटाफट रेडी होती हूँ, मैंने सारा पैकिंग भी कर लिया है पिकनिक के लिए। हेलो एंड वेलकम टू अर्शंस मॉम कॉर्नर और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज यस आज है इंडिपेंडेंस डे। ओके तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम और सैटरडे भी है लकीली, तो हम सभी जा रहे हैं पिकनिक के लिए। हमारे साथ और भी इंडियंस फैमिली है जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सब मिलके आज जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और आज मेरी एक आंख अलग और एक आंख अलग इसलिए क्योंकि मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया, इसमें स्वेलिंग आ गई है और ये रेड हो गई है, तो सारा टाइम मुझे एक चश्मा लगा के ही रहना पड़ेगा सबके सामने। तो चलिए चलते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब खराब हो जाता है। तो आज का थीम भी है हमारा इंडियन ड्रेस, तो आज ये सूट पहना है मैंने, तो चलिए चलते हैं। विंडमिल इसी को देखने हम लोग आए हैं, देखिए ये कितना बड़ा सा है और इसके अंदर भी जा सकते हैं लेकिन अभी ये जो कोविड चल रहा है इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टच नहीं करना चाहते हम लोग और बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो अभी तो सिर्फ इसका मज़ा हम बाहर से लेंगे, बाहर ही पिक्स लेंगे। और ये बहुत बड़ी सी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड्स हैं या और उसमें बहुत सारे डक्स हैं और यहाँ आ गए थे हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और अब सब खेल रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे सारे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और ये दिख बहुत ही सुंदर रहा है।